हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर टाइड वाटर के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो 4% से इंक्रीज़ हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, और 411 करोड़ का रेवेन्यू किया है। मतलब पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपनी ने एक ही क्वार्टर में 4% की ग्रोथ बताई है, लेकिन उसी के सामने अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो वो 6% से गिरा है। मतलब 6% का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से कम आया है और 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के ठीक ठाक आए हैं। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाते हैं, मतलब पिछले दिसंबर के क्वार्टर से ये दिसंबर का क्वार्टर कंपेयर करें तो रेवेन्यू में 12% का इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन उसी के सामने अगर आप नेट प्रॉफिट देखते तो वो 36% से गिरा है। मतलब इतना कम कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है। तो ओवरऑल यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू के अंदर, बट द थिंग इज़ यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो गिर रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइव ईयर हाई, तो 3688.75 है, लेकिन करंटली 1385.90 पे आज के दिन में लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका, और आज 2.17% डाउन है। बट जिस हिसाब से कंपनी के ठीक ठाक रिजल्ट्स आए तो, और मार्केट भी अगर थोड़ा नीचे डाउनवर्ड साइड खुला तो ये शेयर आपको और भी गिरता हुआ नज़र आ सकता है, वरना ये स्टेबल या फिर फ्लैट ही रहेगा, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी। आई होप आपको टाइड वाटर के Q3 के नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।